सभी मित्रों को नमस्कार। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत जो पांच तत्व है, और ये पांच तत्व प्राकृतिक चिकित्सा के आधार है, उसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे आकाश तत्व के ऊपर। जैसा कि पिछले व्याख्यान के अंतर्गत बताया गया था कि जो यह पांच तत्व है, इन पांचों तत्वों में जो सबसे सूक्ष्मतम तत्व है वह आकाश तत्व है। यह जो आकाश तत्व है, इसका जो एक गुण बताया गया था वो गुण था शब्द। किस प्रकार से यह आकाश तत्व हमारी चिकित्सा में सहायक हो सकता है, और आकाश तत्व की चिकित्सा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले इस आकाश तत्व को थोड़ा समझना भी जरूरी है, और थोड़ा साइंटिफिकली भी हम इस आकाश तत्व को जानने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं कि यह जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है, उन सब को स्थान देने वाला आकाश तत्व है। यदि आकाश तत्व नहीं हो तो किसी को भी स्थान नहीं मिलेगा। यानी कि आकाश तत्व क्या कर रहा है, चाहे हम वायु की बात करें, अग्नि तत्व की बात करें, चाहे जल या पृथ्वी तत्व हो, इन सभी तत्वों को जिनसे मिलकर के यह ब्रह्मांड बना हुआ है, इन सब को जो स्थान देने वाला है, एक स्पेस देने वाला है, वह है आकाश तत्व। यदि हम इस ब्रह्मांड में बात करें तो वास्तव में सबसे ज्यादा यदि किसी तत्व की मात्रा है तो वह आकाश तत्व की है। इतना ही नहीं, जब वैज्ञानिकों ने एटम को यानी कि परमाणु को जानने का जब उन्होंने प्रयास किया, और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी ठोस रूप में हमें दिखाई दे रहा है, वास्तव में वह ठोस रूप यानी कि उसका अस्तित्व क्या है, किस प्रकार से है, तो इसके लिए सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था। रदरफोर्ड ने क्या किया कि बहुत ही पतली स्वर्ण यानी जो सोना होता है, गोल्ड, उसकी बहुत पतली जो एक चद्दर होती है, उसका उसने निर्माण किया। वह जो चद्दर थी बहुत ही पतली थी, और उसने क्या किया कि उसने यह देखना चाहा कि जो कुछ भी ये सोना है या चांदी है, या हम लोहे की भी बात करें, यानी कि ये जितनी भी प्रकार की ठोस वस्तुएं हैं, यानी कि हम जिस मेटल की बात करते हैं, ये वास्तव में कितना ठोस है। यदि देखा जाए, एक सोने की चादर को हाथ में लिया जाए तो हम देखेंगे कि वह बहुत ही ठोस है, उसके ऊपर पानी गिराएंगे तो उसके अंदर से पानी भी नहीं जाएगा। लेकिन जब रदरफोर्ड ने प्रयोग किया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने क्या किया कि उस बहुत ही पतली झीनी जो एक चादर थी, उसके ऊपर उसने न्यूट्रॉन्स की बौछार की, यानी कि उस न्यूट्रॉन की बौछार से उसने यह पाया कि मात्र 10% जो न्यूट्रॉन्स थे वह टकरा करके 90 डिग्री के ऊपर या 180 डिग्री के ऊपर या कुछ दूसरे प्रकार के एंगल्स के ऊपर वो क्या हो गए, वो इधर से उधर चले गए। यानी कि जो गोल्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन थे या उसके अंदर पाए जाने वाले जो प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन, उनसे टकरा करके वह इधर से उधर हो गए, लेकिन वो कितने हुए, ओनली 10%। बाकी 90% उसने पाया कि जो न्यूट्रॉन्स थे वह आर पार निकल गए। तो उसके भी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जिस गोल्ड की हम बात करते हैं, उस यानी कि उस जिस मेटल की हम बात करते हैं, जिस ठोस वस्तु की हम बात करते हैं, उसमें भी 90% तक क्या होता है, स्पेस होता है। इतना ही नहीं, आज साइंस जो स्पेस साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि जो हमारा यह यूनिवर्स है,
ये यूनिवर्स वास्तव में अभी यौवन अवस्था के अंदर है। और उन्होंने जो एक थ्योरी दी है, वो जो थ्योरी दी है उस थ्योरी के अनुसार जो यूनिवर्स एक्सपेंडिंग यानी कि जो फैलता हुआ यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसकी जो थ्योरी दी है उनके अनुसार यह ब्रह्मांड 2000 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से आज भी फैलता जा रहा है। और एक दिन ऐसी भी स्थिति आएगी कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है वह मात्र एक बिंदु के अंदर सिकुड़ करके आ जाएगा। तो यह अपने आप में वास्तव में एक बहुत आश्चर्य वाली बात है कि हम जितने भी या जिन ठोस पदार्थों की आदि की हम बात करते हैं और हम यह सोचते हैं कि इतना स्पेस नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि यदि एक संपूर्ण ब्रह्मांड भी एक बिंदु के ऊपर सिकुड़ करके आ सकता है, तो इसका अर्थ हुआ कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण जगत के अंदर यदि सबसे अधिक पाया जाने वाला कोई तत्व है इन 5 एलिमेंट्स के अंदर, तो वह है आकाश तत्व है। इस दृष्टि से जब चिकित्सा की बात आती है तो इन 5 तत्वों में आकाश तत्व का जो महत्व है वह और अधिक बढ़ जाता है। इसको थोड़ा हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। हम कहते हैं कि जो ईश्वर है वह ईश्वर निराकार है, वह ईश्वर सत्य है, वह अविनाशी है। ठीक यही बात आकाश तत्व के ऊपर लागू होती है। आकाश तत्व भी वास्तव में निराकार है क्योंकि आकाश का कोई आकार नहीं है, यह भी बिल्कुल सत्य है और यह अविनाशी है। यानी हम कहते हैं ना कि जिस प्रकार से एक आत्मा को न तो छेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न उसको गीला किया जा सकता है, ठीक इसी प्रकार से हम आकाश तत्व के साथ में कुछ भी नहीं कर सकते। यह हम यूं भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ईश्वर या जो हमारी आत्मा होती है जिसको हम क्या मानते हैं कि यह बिल्कुल विशुद्ध है और विशुद्ध होने के साथ ही यह निर्मल है, ठीक इसी प्रकार से आकाश तत्व की भी वही बात है। आकाश तत्व बिल्कुल विशुद्ध होता है, निर्मल होता है। यह एक ऐसा तत्व होता है जिसको आप अशुद्ध नहीं कर सकते, जिसमें आप किसी भी प्रकार का मल नहीं जोड़ सकते। यह हमेशा निर्मल रहेगा, यह हमेशा विशुद्ध रहेगा। वायु के अंदर अशुद्धता आ सकती है, अग्नि के अंदर आ सकती है, आपके जल में भी आ सकती है और पृथ्वी तत्व में अशुद्धता आ सकती है, लेकिन आकाश तत्व के अंदर किसी भी प्रकार की अशुद्धता नहीं आ सकती। इसीलिए हमारे शरीर के अंदर भी यदि हम इस तत्व को जितना ज्यादा गेन करेंगे या हमारे शरीर में इस तत्व की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, उतना ही हमारा मन है, हमारा शरीर है, हमारी आत्मा है और जो हमारे भाव है वह भी विशुद्ध होंगे, पवित्र होंगे और निर्मल होंगे। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह जो आकाश तत्व है यह वास्तव में एक अमोघ शक्ति है, यह परम कल्याणकारी है और परम कल्याणकारी यह हमारे आत्मिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से भी है। यानी कि इस तत्व की मात्रा जितनी ज्यादा होगी या हम इसकी तरफ जितना ज्यादा ध्यान देंगे उतना ही हमें फायदा होगा। इसलिए आकाश तत्व वास्तव में अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस तत्व की मात्रा को लेकर के और इसके ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान देकर के बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो 5 तत्व है उनका भी हमारे शरीर के अंदर एक तरह से बैलेंस रहेगा। यह हम यूं कह सकते हैं कि आकाश तत्व के होने से ही बाकी जो 4 एलिमेंट्स है उनको भी ग्रहण करने के अंदर सुविधा रहेगी। और देखो कहा भी गया है कि पवन, पानी, पृथ्वी, प्रकाश और आकाश पंचभूत के खेल से बना जगत का पास, यानी कि इन 5 तत्वों से मिलकर के यह पूरा का पूरा जो जगत है उसका यह पास बना हुआ है। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि उसे आत्मिक, मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए
इस आकाश तत्व का होना बहुत ही जरूरी है। और इसके लिए यदि हम आत्मिक और मानसिक शक्तियों की बात करें, इनके स्वास्थ्य की हम बात करें, तो निश्चित रूप से इनके लिए जो मन का संयम है, वाणी का संयम है, कर्म का संयम है, इनके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है और आवश्यक भी है। यदि हमारे इस शरीर के अंदर देखा जाए तो जो आकाश है, उस आकाश का कार्य क्या है? शोक, काम, क्रोध, मोह, भय, ये सारे के सारे इसके कार्य है। यदि ये इसके कार्य है तो इसका ऑपोजिट भी उतना ही सत्य है। और हम सभी जानते हैं कि चाहे हम भय की बात करें, चाहे अभय की बात करें, चाहे दुख की बात करें, चाहे हम सुख की बात करें, ये सारी की सारी चीजें कोई ठोस वस्तु नहीं है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो निर्विकार है। इसलिए यदि इनको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उस निर्विकार तत्व को ही क्या करना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जिस प्रकार से इस ईश्वर का कोई आकार नहीं है, यदि उस ईश्वर से आप संबंध बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस अनंत के साथ, यानी कि उस आकाश तत्व के साथ हमें संबंध बनाना पड़ेगा। और हम जितना इस तत्व के साथ में संबंध स्थापित करेंगे, हम निश्चित रूप से ईश्वर के भी हम उतने ही निकट पहुंच सकेंगे। इसके साथ यदि इस शरीर के अंदर हम देखें कि आकाश तत्व का स्थान कहां कहां पर है, तो आकाश तत्व के अंतर्गत जो हमारा सिर है, कंठ है, हृदय है, उदर का भाग है और कटी प्रदेश है, ये जो स्थान है ये स्पेशली आकाश तत्व के माने गए हैं। इसी प्रकार से जो महात्मा गांधी थे, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं, जिन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया है, उन्होंने इस आकाश तत्व को आरोग्य का सम्राट कहा है। यानी कि यह क्या है? यह आरोग्य का सम्राट है। यदि हम आकाश तत्व को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा तन, मन, भाव, ये सारे के सारे क्या रहेंगे? यह स्वस्थ रहेंगे और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इसीलिए कहा भी है कि यदि किसी के पास आकाश तत्व है या जो आकाश के साथ संबंध बनाना जानता है तो उसके पास में कुछ भी नहीं है। क्योंकि आकाश का अर्थ क्या हो गया? आकाश का अर्थ हो गया खाली, आकाश का अर्थ हो गया है शून्य। लेकिन उसके पास में कुछ भी न हो करके भी क्या है? उसके पास में सब कुछ है। उसके पास में आरोग्य की कुंजी है, उसके पास में ईश्वर तत्व नामक है, उसके पास में वो सब कुछ है जो एक इंद्रियां या जो मन के लपेटे में समझते हैं कि वही सब कुछ है। क्योंकि आकाश तत्व की जब बात आएगी तब हम इन सब से परे हो जाएंगे। अब इन सब से परे होने वाली जो बात है, तो यदि थोड़ा सा हम ध्यान दें कि आकाश तत्व को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रह्मचर्य और संयम का पालन। जो ब्रह्मचर्य और संयम का तो वैसे भी देखा जाए तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। और जहां संयम की बात आती है, संयम तो एक जीवन के लिए एक बहुत ही उत्कृष्ट आदर्श है। यदि हम संयम की बात करें तो संयम के अंतर्गत मुख्य रूप से जो तीन चीज आती है, जो हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से जुड़ी हुई है, वो है मन का संयम, वाणी का संयम और कर्म का संयम। अब इनके संयम से कैसे आकाश तत्व की प्राप्ति होगी, ये चीज जाननी भी बहुत ही जरूरी है। देखिए, जब हम मन की बात करते हैं, हम वाणी की बात करते हैं या हम कर्म की बात करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि यदि मन के अंदर हमारे जितने अधिक विचार आएंगे उतना ही अधिक क्या होगा? उतना ही अधिक हमारा जो मस्तिष्क है वह प्रभावित होगा। और हम क्या करते रहते हैं? हम अनजाने में ही, न चाहते हुए भी, बहुत सारे विचारों का संग्रह करते जाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि संग्रह कहाँ कर सकते हैं? संग्रह हम वहीं कर सकते हैं जहां पर स्पेस होता है।
मान लीजिए कि आपका कमरा है और कमरा ठूस ठूस करके भरा हुआ है और आप उसके अंदर और कुछ डालना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम उसके अंदर कुछ भी नहीं डाल सकते। लेकिन उसके अंदर स्पेस है, तो स्पेस होने की वजह से कुछ और सामान भी उसके अंदर क्या हो सकता है, रखा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे ब्रेन के अंदर जो स्पेस वाली बात है, उसके अंदर हम क्या करते रहते हैं, हम मन के द्वारा अनेक प्रकार के, अब वो चाहे पॉजिटिव थॉट्स हो चाहे नेगेटिव थॉट्स हो, उन सारे प्रकार के थॉट्स को हम क्या करते जाते हैं, हम उन सारे थॉट्स को उसके अंदर डालते जाते हैं। यानी कि जो कुछ भी मान लीजिए स्पेस है, उस स्पेस को हम भरते जाते हैं। और इसके लिए जो सबसे अच्छा साधन है कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको कैसे स्पेस दे सकते हैं, उस और मन के स्पेस की यदि बात आती है, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो साधन है वह है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान की प्रक्रिया। ध्यान क्या करता है, ध्यान आने वाले जो विचार है या इस जन्म का ही नहीं जन जन्मांतर के भी जो विचारों की परतें, मोटी परतें जो हमारे मस्तिष्क में जमी हुई है, उनको वहां से ध्यान क्या करता है, निकालता है। तो ध्यान का हम जितना अधिक प्रयोग करेंगे उतने ही हम आकाश तत्व के निकट पहुंचेंगे। और ये बिल्कुल सत्य बात है, यदि हम पतंजलि योग को भी पढ़ते हैं, वहां पर भी संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि की बात करते हैं। संप्रज्ञात समाधि में भी वहां पर यही बात कही गई है कि किस प्रकार से सबसे स्थूलतम जो जगत का तत्व है पृथ्वी तत्व होने का अर्थ हो गया भारी मात्रा में तामसिकता, यानी कि तम जो गुण है उसकी प्रधानता ज्यादा होगी। वो जैसे जैसे छूटते जाते हैं, यानी कि वो अलग होते जाते हैं, जैसे जैसे उन विचारों से हम अतीत में भावातीत होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर उस आकाश तत्व के जो गुण है वह बढ़ते जाते हैं। इसलिए मैं तो यही समझता हूं और प्राय कहता हूं कि आकाश तत्व को प्राप्त करने के लिए ध्यान से बढ़कर कोई भी चीज नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार से यदि वाणी के संयम की बात करें, तो वाणी के पीछे कारण तो हमारा मन ही होता है। यदि मन को हमने संयमित कर लिया है, तो वाणी को भी हम संयमित कर सकते हैं। उसके पश्चात जो कर्म की बात आती है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि हम क्षण मात्र भी बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकते, लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि उनका भी संग्रह नहीं हो, उनसे भी जुड़ाव नहीं हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें निष्काम भाव से जो कर्म है उन कर्मों को हमें करना चाहिए। यदि निष्काम भाव से उन हम कर्मों को करेंगे, तब उनका हमारे साथ में जुड़ाव नहीं होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आकाश तत्व के लिए हमारे मन का, हमारी वाणी का और जो हम कर्म कर रहे हैं उनका संयम होना जरूरी है। क्योंकि कर्म भी क्या करते हैं, कर्म भी सिर्फ और सिर्फ परिग्रह जो होता है, परिग्रह की भावना को ये बढ़ावा देता है। और जितना परिग्रह होगा, जितना इस प्रकार का कर्म होगा, उतना ही हमारे इस आकाश तत्व की जो बात है, आकाश तत्व से हमारा उतना ही संबंध कम होता जाएगा। अब जब संयम की बात आती है, जब हम मन के ऊपर, वाणी के ऊपर और कर्म के ऊपर संयम की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा, हमारी इच्छाओं का, हमारे मन का, उनका निग्रह होगा और उनके ऊपर क्या होगा, उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित होगा। तो निश्चित रूप से जब हम ये कहते हैं कि जहां कहीं कोई इच्छा ही नहीं हो, मन के अंदर किसी प्रकार के कोई ऐसे संकल्प ही नहीं उठते, तो एक बार के लिए ऐसा लग सकता है कि इस प्रकार का जो जीवन है वह नीरस जीवन है। पर यह जो जीवन होता है वह नीरस जीवन भले ही लगे, लेकिन अंतोदगत्वा जो अंतिम इसका परिणाम होता है वह बड़ा ही आनंददायक, शांतिमय और सुखद होता है। इसके साथ ही मानसिक अनुशासन और संतुलन के द्वारा, क्योंकि जितना मानसिक अनुशासन होगा, संतुलन होगा जीवन में, उतनी ही हमारे अंदर जिन हम डिजायर की बात करते हैं,
या जो भी इस प्रकार के जो कर्म होते हैं उनके ऊपर अंकुश लगेगा। साथ ही जब मन के ऊपर नियंत्रण बढ़ेगा तब एक शक्ति हमारे अंदर अपने आप जागृत होनी शुरू हो जाएगी, और उस शक्ति को हम कहते हैं कि मन शक्ति के द्वारा रोगों का निवारण। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं और हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे जो पहुंचे हुए साधु संत होते हैं वो एक आशीर्वाद से या किसी के ऊपर हाथ फेरने से ही व्यक्ति क्या हो जाता है, वह ठीक हो जाता है। उसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि उनके उनकी कोई इच्छाएं नहीं होती है, उनके कर्म, उनकी वाणी, उनके मन का संयम इस प्रकार का हो जाता है कि उनको किसी भौतिक या स्थूल जगत की आवश्यकता नहीं होती है। भौतिक और स्थूल जगत के बिना ही वो क्या कर सकते हैं, वह अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक बहुत ही अच्छा साधन है इस आकाश तत्व को प्राप्त करने के लिए, वह साधन है विश्राम और नींद। यानी कि हम 24 घंटे काम तो नहीं कर सकते, यदि हम काम करते जाएंगे तो निश्चित रूप से न केवल हमारा मस्तिष्क जबकि हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं वह भी थक जाएगी, उनको भी रिचार्ज होने के लिए जरूरत पड़ेगी। अब यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि हम तो अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, बहुत सारी चीजें लेते हैं, इसलिए शरीर के अंदर कहां एनर्जी की कमी आएगी। तो फिर मैं यही बात कहूंगा कि यह सिर्फ और सिर्फ आपके स्थूल जगत की बात है, और आपके स्थूल जगत तक तो वह एनर्जी काम आ जाएगी, लेकिन जब आप उस सूक्ष्म जगत के अंदर प्रवेश करेंगे, उससे भी सूक्ष्म जगत के अंदर हम प्रवेश करेंगे जहां पर आकाश की बात आती है, जहां कुछ न होकर के भी काम हो रहा है, उसको यदि आप रिचार्ज करना चाहते हैं, उसके ऊपर यदि आप ये चाहते हैं कि वह स्वस्थ रहे, तो उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी विश्राम की, हमें आवश्यकता पड़ेगी नींद की। अब हम सभी जानते हैं कि जब नींद ली जाती है, मैं गहरी नींद की बात कर रहा हूं, आजकल के लोगों को जो नींद आती है जिसमें बहुत सारे विचार भी चलते रहते हैं, स्वप्न भी चलते रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे विचार नेगेटिव पॉजिटिव चल रहे थे, इस प्रकार की नींद आई, नहीं, एक ऐसी गहरी नींद जिसमें आपको लगता है कि मुझे तो कुछ भान ही नहीं रहा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं रहा। इस स्थिति के अंदर भी क्या होता है, उस स्थिति में किसी भी प्रकार के आपके चेतन मन के द्वारा चलने वाले जो भी विचार और होते हैं वह बिल्कुल शांत हो जाते हैं। यानी कि अब सब कुछ शांत होकर के आपके मस्तिष्क को, आपके शरीर को कुछ करने का, इंटरनली कुछ चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन उसको कुछ करने का क्या होगा, उसको एक स्पेस मिलेगा। और साथियों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इस स्पेस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमारे अंदर यदि कुछ स्पेस ही नहीं होगा तो आप कभी भी उसके अंदर कुछ डाल नहीं सकते। पेट के अंदर यदि स्पेस नहीं है तो आप खाना नहीं डाल सकते, और आपके मस्तिष्क के अंदर यदि स्पेस नहीं है तो आप कभी भी अच्छा नहीं डाल सकते। इसीलिए मैंने कहा ना, ध्यान वो स्पेस देता है, और जब वो ध्यान स्पेस देता है तो वहां पर एक अवकाश मिलता है कुछ अच्छा डालने के लिए। एक और उदाहरण के द्वारा भी इस चीज को हम समझ सकते हैं, आजकल हर व्यक्ति के पास में फोन जरूर मिलता है, और हम सब जानते हैं कि फोन की भी अपनी एक मेमोरी होती है। कोई कहता है कि जो मेरा फोन है वो 64 GB का है, कोई कहता है कि मेरा तो 128 GB का है, कोई कहता है मेरा 32 GB का है, इसके साथ में उसकी रैम भी होती है, कोई कहता है कि मेरा 2 GB रैम, 4 GB रैम, 6 GB रैम। अब ये रैम क्या चीज है, ये मेमोरी क्या चीज है? मेमोरी यानी कि आपके फोन का वह स्पेस जहां पर आप कुछ एप्लीकेशंस डाल सकते हो, और रैम क्या चीज होगी, रैम वो चीज हो गई कि जो कुछ आपने डाला है उसका उसके अंदर क्या हो सके, उसकी एनालिसिस हो सके, वो चल फिर सके। यदि वो चल फिर नहीं सकेगा, केवल डाला ही डाला, एकदम उसको पैक कर दिया है,
तब कोई क्रिया नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा। इसलिए रेम का भी होना बहुत ही जरूरी है। साथ में आपने एक चीज और भी देखी होगी कि आपका फोन यदि 64 GB का है और आपने उसमें एप्लीकेशंस, फोटोज, गाने, वीडियोस उसको डालते डालते यदि आपने फुल उसको भर दिया है तो फोन क्या हो जाएगा? फोन हैंग हो जाएगा, फोन बंद हो जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि फोन बिल्कुल बंद हो जाता है, हम चला भी नहीं सकते, उसको तो कंपनी के पास ही भेजना पड़ेगा और उस फोन को फिर पूरी तरह से फॉर्मेट करना पड़ता है, यानी कि उसके अंदर जो कुछ है डिलीट करके और उसकी मेमोरी को खाली किया जाता है, तब फोन चलेगा। ठीक ही स्थिति हमारे जीवन में भी है, हमारी जिंदगी में भी है। हम भी पता नहीं कितने प्रकार के नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं उनके द्वारा हमारी इस मेमोरी को हम भरते जाते हैं और कभी भी डिलीट करते ही नहीं है। तो हमारे इस जीवन को भी चलाने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि आकाश तत्व को बनाए रखें और आपके अंदर भी, आपके इस शरीर के अंदर भी जितना अवकाश होगा उतना ही आप अंदर अच्छी चीजों को डाल सकेंगे। उस अवकाश को प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार से अभी हमने जो ये आकाश तत्व है, इस आकाश तत्व को जाना और अब इस आकाश तत्व को और किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं वह हम जो आगे का वीडियो होगा उसके अंदर चर्चा करेंगे। नमस्कार।